हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं गांव में रहता हूं तो मुझे कौन सी दुकान ओपन करनी चाहिए, क्योंकि किराना की दुकान काफ़ी सारी हैं तो किराना की दुकान हम ओपन नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस है तो वो देना चाहूँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी तक की वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे जो भाई वगैरह हैं तो वो किराना की सेल्समैन है, मतलब कि जो गांव में दुकान होती हैं तो वो वहाँ पर सामान डालने के लिए जाती हैं, मार्केट से सामान खरीदते हैं, गांव में डालने के लिए जाते हैं, बीच में थोड़ा सा कमीशन होता है तो वो उनको मिल जाता है और एक दिन का 700-800 या फिर 1000 रुपये आसानी से कम जाता है। तो दोस्तों हमने सोचा कि मैं तो यूट्यूब पर घर बैठे काम करता रहता हूँ, ठीक है, मैंने ये सोचा कि हमारे जो भाई वगैरह हैं वो कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, बाइक वगैरह पे काफ़ी सारा सामान रखना पड़ता है, फिर उसको बाइक साधनी पड़ती है, गांव में बार बार खड़ी करनी पड़ रही है, अगर कोई व्यक्ति सामान ले रहा है और वो बाइक में सबसे नीचे रखा है तो उसको वो निकाल के देना पड़ता है, तो इस तो काफ़ी मेहनत है। तो मैंने सोचा कि इनको कोई दूसरा दुकान डलवा देते हैं, किराना स्टोर की दुकान। मैंने भी सोचा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, किराना स्टोर में उतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों हमने सोचा कि दुकान किसकी खोलें, तो माइंड में आया कि अपने साइड ना बिल्डिंग बहुत बन रही हैं, मकान बहुत बन रहे हैं, ठीक है, अभी ये जो एरिया है तो वो डेवलपमेंट चल रहा है, तो इधर कंस्ट्रक्शन का जो काम है तो वो ज़्यादा चल रहा है, तो पाइप, ठीक है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, सीमेंट वगैरह की ये दुकान अलग हो गई, गिट्टी की ये दुकान अलग हो गई। मैंने कहा कि ये पाइप वगैरह मतलब कि हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कटर वगैरह, कहीं पत्थर काटना है, ग्राइंडर वगैरह, ग्राइंडर की पत्ती वगैरह, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैंने सोचा कि चलो इसकी दुकान ओपन करवाते हैं इनको। तो दोस्तों उसी टाइम पर क्या था, दिल्ली से एक इन्विटेशन आया था तो वहाँ पर हमको जाना था, तो वहाँ पर हम अपने भाई को लेके भी गए। मैंने कहा कि वहाँ पर हमारे दाऊ जी वगैरह हैं तो उनकी पाइप की फैक्ट्री है दिल्ली में, ठीक है, और ऐसा अभी तक हम दिल्ली गए नहीं थे तो हमको ऐसा लगता था कि वहाँ से हमको कोई अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों हम वहाँ पर गए और भी वहाँ पर कुछ हमारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाके देखा। तो दोस्तों पता चला कि अभी देखो हमारा एक गांव है, ठीक है, मैं गांव से आया इधर अपने डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए, तो गांव वाले ये सोचते हैं कि वो तो गांव से निकल गए और ज़िले में पहुंच गए हैं, ठीक है, तो वहां पर अब वो सेट हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों गांव में क्या है, कोई काम नहीं था और यहां पर कि आके क्या है, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, बाज़ार में आके कोई बैठेगा तो नहीं, तो यहां पर मैं काम कर रहा हूं और गाँव वाले क्या है, बैठे रहते हैं, अगर गाँव वाले काम करें ना तो वो भी पैसा कमाएँ, तो गाँव वालों को ऐसा लगता है कि मान सिंह वगैरह यहाँ से निकल गए, अब वो बाज़ार में रह रहे हैं और पूरी फैमिली सही है। अब हमको ऐसा लगता है कि हमसे भी ज़्यादा तरक्की पर वो लोग हैं जो दिल्ली में पहुंच गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांव में उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, ठीक है, गांव में आपका खेत में से सब्जी ले आओगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इधर मुरैना में रह रही हो तो इधर क्या है, गाँव पास में है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ तो यहाँ पर गाँव पास में है, तो यहाँ पर वही सब्ज़ी मान लो कि हमको मिल जाती है, गाँव में वो सब्ज़ी फ्री में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मूली को आप ले लीजिए, ठीक है, तो गाँव में वो फ्री में मिल रही हैं, यहाँ पर हमको 10 रुपये किलो मिल रही हैं। अब यही चीज़ें मान लो कि दिल्ली में कहीं किसी दूर गाँव से आ रही हैं तो हो सकता है कि उनको 15 रुपये किलो मिले, ठीक है, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं महंगाई है, तो महंगाई के हिसाब से उनकी अर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पाइप की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उन्हीं की चल रही है दिल्ली में, या फिर वो दिल्ली में कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो उन्हीं का चल रहा है। अब दोस्तों तो अब मैं लाइन पर आता हूँ, तो मैं वहाँ पर गया था कि चलो पाइप वगैरह के बारे में पूछेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे पता चला कि इस फील्ड में भी संघर्ष है, ठीक है, इसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। किराना स्टोर में क्या है, ठीक है, आपका सामान बिचेगा ही बिचेगा, जहाँ से ज़्यादा आपको ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो लॉस होगा, नहीं तो उसमें लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको रेट की रेट में तो दे दोगे, लेकिन दोस्तों जो आप जितना बड़ा बिजनेस करते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। अभी उनकी पाइप की फैक्ट्री थी तो वो लाखों में बता रहे थे कि हमारा माल उसके पास जाता, उसके पास जाता, उसके पास जाता, लाखों रुपये की उधारी है, ठीक है, और अपनी ये दुकान है, ठीक है, इधर से कोई 40 रुपये की राइसरी भी ले जाता है तो ऐसा लगता है कि उधार नहीं करना ऐसा वैसा। तो दोस्तों उधारी के अभी उनको कितने लॉस हैं, ठीक है, अभी उनसे कोई दुकान वाला ले गया या फिर कोई प्लांट वाला ले गया, ठीक है, और उसने वो प्लांट बंद कर दिया और वो तो ये अपना जो सामान है, ठीक है, तो वो अपने ज़िले में ही जाता है, अपने मोहल्ले में ही जाता है, ठीक है, लेकिन उनका तो दिल्ली से काफ़ी ट्रकों में जा रहा है, ठीक है, तो दूर दूर जा रहा है, वो भी उधार जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी किराना स्टोर, अगर मैं किराना स्टोर की दुकान को मान लो कि बंद कर देता हूँ और इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ उसी हार्डवेयर की दुकान, ठीक है, तो दोस्तों हार्डवेयर में पहली बात तो ये है
कि हमारी दुकान हो सकता है कि चले ना, ठीक है, क्योंकि अभी हम उसको सिर्फ सोच के खोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी दुकान चले, लेकिन हो सकता है कि वो ना चले, ठीक है। तो फिर हमको हार्डवेयर का जो सामान है तो उसको हम कहाँ पर ठिकाने लगाएंगे, फिर उस सामान में लॉस पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको कोई अपन से लेगा ना तो वो लेगा सस्ता, ठीक है। किराना का तो दुकान ये है कि उतने के हज़ारों का सामान होता है, तो आप किसी भी दुकान वाले को दे दो वो आपसे ले लेगा, ठीक है। रेट बाज़ार में महंगा मिलता है, आप उसको रेट टू रेट दे दो, लेकिन आपने जितने में लिया है ना उससे कम देना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे दुकान वाले को दे रहे हैं, ठीक है। उसी रेट में तो वो दिल्ली से नहीं मंगा लेगा नया माल, या फिर जहाँ से भी उसका आता होगा, ठीक है। और दोस्त ये पाइप में ना लाखों का माल लगेगा, 7-8 लाख का सामान वगैरह है तो वो लगेगा। और दोस्तों फिर मैंने उनको बोला कि भाई इसको ना रहने दो, अपन को किराना स्टोर का 7 साल का एक्सपीरियंस है, और दोस्तों उधार सामान है तो वो उसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई आ गया कि हमें उधार दे दो, ठीक है, और बात ये कि अपन को लालच है कि अपनी दुकान तो चली नहीं रही, चलो इसको उधार ही दे देते हैं, शायद ही अपना ग्राहक बन जाए। और दोस्तों अगर आप कोई दूसरी दुकान ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके ग्राहक भी नहीं बनते हैं। अगर मान लो कि आपसे ग्राहक कोई आपका बन भी गया तो उसका मकान एक बार बनेगा, वो आपसे सामान एक बार ले जाएगा, लेकिन अगर आपका किराना स्टोर का ग्राहक बन गया ना तो वो आपके पास रोज़ आएगा, ठीक है, वो आपको रोज़ पैसे देगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मतलब कि प्रॉफिट होगा लेकिन कम होगा। तो दोस्तों मैंने अपने भाइयों को बताया कि क्यों ना आपको या फिर मुझे किराना स्टोर का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप सेलिंग 7-8 साल से कर रहे हैं तो आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी एक वो होती है, ठीक है, एजुकेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप ये दुकान ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें आप लाखों रुपए का सामान भरोगे, उसके बाद लड़की वगैरह को भी रखोगे, तो आप ऐसा ना करो कि आप सेल्समैन अभी बाइक से करते हैं, ठीक है, तो उसको आप कोई 4-व्हीलर आप बांध ले लो उससे करने लगो और 2 लड़कों को रख लो, ठीक है। और प्रोडक्ट अभी आप इम्पोर्टेंट ले जाते हैं क्योंकि बाइक पर ज़्यादा सामान जा नहीं सकता, तो क्यों ना आप सारे सामान भी रख सको, ठीक है। तो आपकी 2 या फिर 2500 रुपये तक कमाई अगर आप 4-व्हीलर से करते हैं, या फिर 3000 रुपये तक की कमाई सेलिंग में ही हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी दुकान नहीं चलती है तो आपकी सेलिंग तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि सेलिंग में आप खुद दुकान वाले के पास जा रहे हैं, आप उसके सामने जाके खड़े हो गए, उसकी दुकान के सामने खड़े हो गए, उसने सामान नहीं लिया तो आप किसी दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाओ, कोई ना कोई तो आपसे लेगा, लेकिन अपनी दुकान पर ग्राहक को क्या पकड़ के लाओगे, आ जा भाई हमारी दुकान से सामान ले। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो किराना स्टोर की बात ये है कि इसमें कौन कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इसमें बगल में ही और दुकान खुली है, उसके बगल और दुकान खुली है, उसके बगल और दुकान खुली है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि सामान तो किराना स्टोर का सब कोई लेता है, हमारे पड़ोसी भी लेगा, ये पड़ोसी भी लेगा, पीछे वाला भी लेगा, आगे वाला भी लेगा, ठीक है, सब कोई लेगा, साबुन से कल सब कोई नहाएगा, और हो सकता है कि एक घर में कल साबुन ख़त्म हो, ठीक है, हो सकता है पड़ोसी इस वाले के हो, इस वाले के हो, इस वाले के हो, इस वाले के हो, ठीक है, तो कोई ना कोई दुकान पर ज़रूर आएगा। लेकिन अगर मैं दुकान ओपन कर लेता हूँ, उसकी बिल्डिंग में मतलब कि मकान में जो मटेरियल लगता है, तो पीछे वाले का एक ईयर बन गया, उसकी होगी पता नहीं वो फ्यूचर में लेगा अभी या फिर नहीं लेगा, बगल वाले का बन गया अब ये नहीं लेगा, इसका बन गया अब ये नहीं लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहूँ तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकला कि हम दिल्ली वगैरह गए, वहाँ पर इनविटेशन आई थी, ठीक है, हमने वहाँ पर पार्टी वगैरह में, ठीक है, शामिल हुए, उसके बाद लौट के घर आ गए, और मैंने घर पर आके बस यही सोचा कि अपन 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसी काम को करो, उसी काम को बड़े पैमाने पर करो, अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना है ना तो उसी काम को बड़े पैमाने पर ले जाके करो, तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप उसी काम में लड़कों को लगा लो। अगर आप अकेले करोगे, आप लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ सेलिंग करोगे तो उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों अभी अगर आप भी किराना स्टोर की दुकान ओपन करने वाले हैं तो दोस्तों किराना स्टोर की दुकान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इधर आपके साथ काफ़ी सारे ग्राहक हैं, कोई ना कोई आपके पास आएगा, कोई रोड चलता हुआ भी आपकी दुकान पर कोई गुटखा लेने के लिए आ सकता है, कोई पानी की पाउच लेने के लिए आ सकता है, कोई पानी की बोतल लेने के लिए आ सकता है, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए आ सकता है, कोई बिस्कुट लेने के लिए आ सकता है, किसी का बच्चा रो रहा है वो पैंपर्स लेने के लिए आपकी दुकान पर आ सकता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, आपका पड़ोसी सुबह चाय पिएगा वो आपके पास टोस्ट लेने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे इधर आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप अपनी दुकान को बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर छोटा रखते हैं तो कम प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि किराना स्टोर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इधर आपको डेली यूज वाले सामान सेल करने होते हैं, इसीलिए।